नमस्ते मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि योजना समिति द्वारा तैयार किए गए समस्याओं के समाधान की प्राथमिकता सूची को ग्राम सभा में साझा कर उस पर चर्चा करना और ग्राम सभा द्वारा उसको मंजूरी देना पंचायत योजना के लिए आवश्यक है। आपको सवाल तो याद होगा कि समस्याओं के निवारण हेतु जो कार्य करने होंगे उसके लिए वित्तीय और अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, उसका प्रबंधन पंचायत कैसे करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम वही सवाल के जवाब के बारे में जानेंगे जो पंचायत की योजना का छठा कदम है। ग्राम पंचायत गांव की समस्याओं के निवारण के लिए वित्तीय और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करेगी। क्या आप जानते हैं कि पंचायत की आय कैसे होती है? पंचायत को तीन प्रकार से आय होती है। पहली, योजना वित्त आयोग से, जिसमें केंद्रीय योजना बोर्ड और राज्य नियोजन बोर्ड द्वारा। दूसरी, सरकारी योजना से प्राप्त अनुदान, जिसमें केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना, सांसद फंड और विधायक फंड द्वारा। और तीसरी, पंचायत की खुद की आय, जिसमें पंचायत के आवश्यक या वैकल्पिक कर द्वारा और लोगों की भागीदारी या अनुदान द्वारा। अब पंचायत अपने कार्यों की सूची अनुसार वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की योजना इन स्रोतों को ध्यान में रखकर करेगी। कई समस्याओं पर पंचायत सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों के अंतर्गत काम कर सकती है। जो काम सरकारी योजना या कार्यक्रम के तहत नहीं किए जा सकते, उनके लिए अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक के फंड का उपयोग किया जा सकता है। कुछ छोटे कार्यों के लिए पंचायत द्वारा लोगों से अतिरिक्त कर लिया जा सकता है, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ऐसे लोगों या बाहर की कोई संस्था या व्यक्ति से अनुदान भी लिया जा सकता है। इसके बाद संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग हो सके, ये सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। ये था पंचायत की योजना का छठा कदम। अब अगला कदम है पंचायत की योजना का आखिरी, मतलब कि सातवां कदम, जिसमें पंचायत योजना के मुताबिक काम का क्रियान्वयन करवाएगी और ग्राम सभा को रिपोर्ट देगी। आभार।